याद रखो बेटा, आप हमेशा याद रखो इस बात को कि पहली बार में हो सकता हम फेल हो जाए, हो सकता है पहली बार में सक्सेस भी हो जाए, हो सकता है फेल होने के बाद ट्राई वाला स्टेप ना आए, सीधे सक्सेस वाला स्टेप आए, लेकिन ये ट्राई वाले जो स्टेप है ना आपके, ये ऐड हो सकते हैं। आप एक बार करो, दो बार करो, कितनी बार भी, ये वाले स्टेप आपके ऐड हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन हमेशा याद रखो कि लास्ट स्टेप हमेशा सक्सेस का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको मतलब लास्ट स्टेप ना मिल जाए। अगर आप फेल हो रहे हो या आप मतलब ट्राई कर रहे हो सक्सेस के लिए और आपको अभी मिली नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप लास्ट स्टेप पर पहुंचे नहीं हो। अगर आप लास्ट स्टेप पर पहुंच गए, ध्यान से सुनो, लास्ट स्टेप पर आप पहुंचोगे कब? जब आप ये सारे स्टेप पार करोगे। तो सर कितने ट्राई के स्टेप हो सकते हैं? पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं। तो आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा और आपको हर एक स्टेप से ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमने इतना पढ़ लिया, हम इसके आगे क्या पढ़ाई करेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि फेलियर एक स्टेप होता है सक्सेस में पहुंचने के लिए, ट्राई करना भी एक स्टेप होता है सक्सेस में पहुंचने के लिए, सक्सेस लास्ट स्टेप होता है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप पर हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि आप वेट करिए उस सही स्टेप के आने के लिए। आप रुकिए मत, चलते रहिए, वो स्टेप जरूर आएगा। ये आपके लिए बेटा एक रियल वो है, मतलब आप नॉलेज बोल लो या रियल आपके लिए मोटिवेशन है कि आपको लगे रहना, क्योंकि सक्सेस आती है, समय जरूर लगता है, हो सकता है कुछ स्टेप ऐड हो जाए, लेकिन फाइनली आप लास्ट स्टेप पे जरूर पहुंचोगे, जिसे हम सक्सेस कह रहे हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ये हमेशा याद रखें, ट्राई के बाद फेलियर नहीं आता, ट्राई के बाद दोबारा से ट्राई आता। हो सकता है फेलियर वाला आप बोल रहे हो, पर मेरे हिसाब से आपने ट्राई किया, कुछ सीखा है, आपके लिए वो फेलियर होगा, मेरे लिए नहीं। फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने नेल ट्राई करी थी, क्या वो फेल हो गए? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा जरूर सीख लिया जो लाइफ में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्राई होता है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखो कि आप यहां नहीं रोक सकते, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेप आएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मन के मेरे ये भरम कच्चे।